Hello friends, welcome to Vocab Wizard. This is Jayavardhan Tiwari. Actually, grammar section की demand भी बढ़ रही थी, so आज हम अपना नया topic start करते हैं. Grammar section का हमारा पहला topic है. The topic is articles. Actually friends, article में there are 36 rules. कितने rules हैं? 36 rules. In that 36 rules, 26 rules वो rules हैं जो आपको अच्छे से आते हैं. ठीक है? कौन से आपको अच्छे से आते हैं? वही कि जो दा है वो पहाड़ के साथ लगता है, नदी के साथ लगता है, किताब के साथ लगता है, तुम्हारे साथ लगता है, हमारे साथ नहीं लगता. ठीक है, ये जो रूल्स है 26, ये आपको अच्छे से आते हैं, ये बुक में भी आपने पढ़े हैं. बट बचे के जो 10 रूल्स हैं, टोटल 36 है, 26 आपको आते हैं. ठीक है, और जो आपको आता है वो एग्जाम में नहीं आता. ठीक है, 26 जो आपको आते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, और जो बचे 10 हैं वो एग्जाम में आते हैं, वो आपको नहीं आते. ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे उन 10 रूल्स पे, और बाकी जो 26 रूल्स हैं उनको भी हम टच करते हुए जाएंगे. ठीक है, so, सबसे पहले हम आर्टिकल्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, दैट व्हाट आर एक्चुअली द आर्टिकल्स और कैसे कहां पर कब यूज होते हैं आर्टिकल्स. सो आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, हमें अच्छे से पता है. ए एन द, ए एन आपका इनडेफिनिट, एन द इज डेफिनेट आर्टिकल्स. तो अब बात करते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कहां पे होता है और इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीन फिगर ड्रॉ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं. ठीक है, पहला फिगर है, इसमें सन है, एक मतलब लड़का, दूसरा है एक अननोन पर्सन, और तीसरा है हमारे ग्रैंडफादर, और वो है नाउन. हमारे ग्रैंडफादर नाउन है, सन आपका अननोन पर्सन एडजेक्टिव है, और सन जो है वो आर्टिकल्स है. ये बताने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि लेट्स से हमारे दादाजी कहीं जा रहे हैं. ठीक है, हमारे दादाजी कहीं जा रहे हैं, तो जो हमारा सन है यानी कि जो उनका लड़का है वो हमेशा दादाजी के साथ ही जाएगा. ठीक है, हमारा जो लड़का है सन, वो हमेशा कब जाएगा, किसके साथ जाएगा? दादाजी के साथ जाएगा हमेशा. ठीक है, क्योंकि वो छोटा है, वो किसी अननोन पर्सन के साथ नहीं जाएगा. कहने का मतलब है कि जो सन हमारा है वो हमेशा दादाजी के साथ जाएगा, यानी कि ग्रैंडफादर के साथ जाएगा. यानी कि जो आर्टिकल है वो हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ. आर्टिकल हमेशा किसके साथ आता है? आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, ये ध्यान रखना. क्यों? दादाजी के साथ ही तो बच्चा जाएगा हमेशा, लड़का कभी अकेले तो जाएगा नहीं, तो जो सन है वो हमेशा दादाजी के साथ जाएगा. दिस इज वन थिंग. नाउ सेकंड थिंग, यानी कि पहली चीज मैंने क्या बताई, जो दादाजी के साथ ही हमेशा सन जाएगा, यानी कि जो आर्टिकल है वो हमेशा किसके साथ जाएगा? नाउन के साथ. यानी कि आर्टिकल हम हमेशा नाउन के लिए यूज करते हैं, या आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है. ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, सेकंड थिंग क्या है, ये हमारे बीच के अननोन पर्सन है. अब ये क्या है, ये दादाजी के फ्रेंड थे. किसके फ्रेंड थे? दादाजी के. ठीक है, अब दादाजी इनसे बात करने लगे और बात करते करते आगे चले गए. ठीक है, अब ये बताइए आप, अगर कहीं पर ये अननोन पर्सन है और ये सन है और दादाजी वहां पे नहीं है, तो क्या ये सन अननोन पर्सन के साथ जाएगा? नहीं जाएगा. जो सन है वो अननोन पर्सन के साथ नहीं जाएगा. कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल है वो कभी एडजेक्टिव्स के साथ नहीं जाता. ठीक है, आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव्स के साथ नहीं जाता. आर्टिकल एडजेक्टिव्स के साथ जाने का मतलब लगेगा, आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ कभी नहीं लगता. अब अगर आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ लग रहा है तो कब लगेगा ये देखते हैं. अगर हमारे ग्रैंडफादर और ये दोनों बात करने लगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलने लगे, तो उस कंडीशन में बच्चे ने क्या देखा कि अननोन के साथ कौन जा रहा है? अननोन के साथ हमारे ग्रैंडफादर जा रहे हैं. ठीक है, जब अननोन के साथ हमारे ग्रैंडफादर जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं अननोन के साथ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अननोन जो है वो ग्रैंडफादर को जानता है, तो हम भी अननोन के साथ जा सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सन है वो हमेशा दादाजी के साथ जाएगा, यानी कि आर्टिकल हमेशा किसके साथ यूज होगा? नाउन के साथ यूज होगा. बट आर्टिकल अगर एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो सिर्फ उस कंडीशन में आएगा जब दादाजी साथ होंगे, यानी कि नाउन साथ में होगा एडजेक्टिव के, तभी आर्टिकल साथ में आएगा. अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कभी भी साथ में नहीं आएगा. दीज आर द टू बेसिक क्रूशियल रूल्स. पहला रूल क्या है, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है. ठीक है, आर्टिकल. सेकेंड रूल क्या है,
आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ तभी आएगा जब वहां पर नाउन हो, आर्टिकल अकेले एडजेक्टिव के साथ कभी नहीं आता, क्योंकि जो सन है हमारा, बच्चा छोटा है, वो कभी भी अननोन के साथ नहीं जाएगा। बच्चा अननोन के साथ तभी जाएगा, एक अननोन पर्सन यानी अज्ञात व्यक्ति, बच्चा अज्ञात व्यक्ति अननोन पर्सन के साथ तभी जाएगा जब वो आपके साथ कौन होगा, दादाजी होंगे या फिर नाउन होगा। समझ गए, आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ तभी लगेगा जब वहां पर नाउन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ सेंटेंस, She is honest. Now, honest क्या है? Honest क्या है? अगर हमने honesty लिख दिया तो adjective हो गया, honest भी वहां पे उसकी इसकी she की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे article क्या लगेगा? A and the क्या लगेगा? यहां पर जीरो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि she is honest, this is a compliment, ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, शी इज ऑनेस्ट, ये एक कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको एक अच्छी सी बात दी, जैसे मैंने कहा कि somebody is beautiful, तो like I'm saying that she is beautiful, so I will not say she is a beautiful, I will say she is beautiful, तो she is beautiful, this is a compliment, हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, टिप्पणी करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो शी इज ऑनेस्ट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। सो यहां पर क्या, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, या फिर आप देख सकते हो यहां पर नाउन तो है नहीं, नाउन नहीं यानी कि दादाजी है नहीं, अननोन है सिर्फ, तो इसलिए यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। अब ऑनेस्ट क्या हो गया, ऑनेस्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। अब नाउन क्या हो गया, गर्ल हो गया, तो अब यहां पे नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, यानी कि दादाजी भी है और अननोन भी है। अब दादाजी भी है, अननोन भी है, तो आर्टिकल हमारा चला जाएगा उसके साथ, किसके, अननोन के साथ। तो ये देखो, ये अननोन हमारा व्यक्ति है, अब आर्टिकल अननोन के बगल में तभी खड़ा होगा, या आर्टिकल अननोन के साथ हाथ पकड़ के तभी जाएगा जब दादाजी इसका हाथ पकड़े होंगे। अब देखो, दादाजी इसका हाथ पकड़े हैं, नाउन एडजेक्टिव का हाथ पकड़े हैं, तो यहां पर क्या होगा, एडजेक्टिव भी, आर्टिकल भी एडजेक्टिव के बगल में आ जाएगा या उसका हाथ पकड़ लेगा, तो हो जाएगा शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है क्या हमारे आर्टिकल का, कि नाउन जो आर्टिकल होता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है और एडजेक्टिव के लिए कभी नहीं आता है, और अगर एडजेक्टिव के लिए आ रहा है तो वहां पर नाउन भी होना चाहिए, यानी कि दादाजी अननोन। ठीक है, ये बेसिक मेरा मेथड था है कुछ समझाने का आपको, कि आर्टिकल का यूज बेसिकली करते कहाँ पे हैं। अभी बिल्कुल स्टार्ट है एकदम स्क्रैच से, तो अभी हम आगे इसको बिगिन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, और इसमें आपको मैं इतने इजी आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके जो क्वेश्चंस हो वो अच्छे से बने और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओ, अच्छे से स्कोर कर पाओ अपने एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज फ्रेंड्स जरूर बताना मुझे कि आपको ये मेथड कैसा लगा, और अभी इसी मेथड से आगे चलेंगे ताकि आपको अच्छे से हर चीज समझ में आए, एहतियात रहे समझने में। तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ यू फील अबाउट द कॉन्सेप्ट, कि जो मेरा मेथड है वो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारा ग्रामर सेक्शन को हमें कंटिन्यू आगे करना चाहिए या नहीं ये भी बताएं। थैंक यू, दिस इज जयवर्धन तिवारी, वो कैफे साहब।